झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री साह, हजारीबाग बड़का गांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव लंबे अंतराल के बाद आज जेल से रिहा होकर हजारीबाग अपने आवास पहुंचे। आवास पर परिवार वालों के साथ साथ उनके समर्थकों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर योगेंद्र साव की मां ने अपने पुत्र का राज तिलक कर स्वागत किया। वहीं बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद अपने पिता योगेंद्र साव को अपने घर में पाकर फूले नहीं समा रही थी। बेबाकी से सवालों का जवाब देने वाली विधायक अंबा प्रसाद पिता की रिहाई में भावुक हो गई। देखिए, जब आप भी दिन रात काम करेंगे और आपके घर में सारे लोग अगर आपके माँ पिताजी अगर जेल में रहेंगे और घर में आएंगे और ताला बंद करके आप घर जाएंगे, तो ये लंबा इंतज़ार था। और मैं अपने पिता से काफ़ी क्लोज़ रही हूँ और मेरे पिताजी मेरे आदर्श रहे हैं हमेशा। मतलब हमारा बेटी और पिता का रिश्ता ही अलग होता है, तो आज सही मायने में ये हमारी जीत है। इधर समर्थकों ने हजारीबाग स्थित उनके आवास में ऐसा समा बांधा कि चारों ओर नारेबाजी और पटाखों की गूंज से हजारीबाग का हर एक कोना गूंजमान हो गया। वहीं योगेंद्र साव ने कहा कि फर्जी तरीके से मुझे फंसाकर इतने दिनों तक जेल में रखा गया था, इसका मुझे खेद है, लेकिन मेरे पीछे मेरी पुत्री के द्वारा जिस तरह बड़का गांव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया गया, उसे देखकर मैं काफी खुश हूँ। आने वाला कल हमारा है, अब हम झारखंड के बड़े क्षेत्र से कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, जिससे पूरी दुनिया देखेगी मेरी लड़ाई उन धनपति कुबेरों से है जो गरीबों को मूर्ख बना रहे हैं, इनका निवाला छीन रहे हैं। साथ ही योगेंद्र साव ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, अब तक जिस तरह से मुझे कई केसों में न्याय मिला है, अब जो थोड़े बहुत केस बचे हैं उस पर भी मुझे न्याय मिलेगा। विस्थापन आयोग का गठन हो जाता है तो हमारी जो जमीन का जो लूट मचा हुआ है ये निश्चित रूप से इस पर ब्रेक लगेगा। और 3,000 करोड़ का जो NTPC ने यहाँ जमीन मुआवजा घोटाला किया है, ये सब पर का भी पर्दाफाश करेंगे। अब हम निकल गए, निश्चित रूप से जो आज 3,000 करोड़ का जो भूमि जो घोटाले का काम जो हुआ है इस पर भी अंकुश लगाएंगे और भी बहुत सारी चीज पर अंकुश लगाएंगे। जनता के अनुरूप चलेंगे, चाहे उसके लिए हमको और कितने भी तरह का प्रताड़ना सहना पड़ेगा हम सहेंगे, लेकिन जनता का हक और लड़ाई हम जरा जारी रहेगा और यहाँ पर नकेल कसने का काम करेंगे। कांग्रेस में लंबी लकीर ये खींचेंगे कि आप देखिएगा, आप आगे देखिएगा, आप सब एक ही सपने आप हमारी माननीय विधायक है, आप तो लंबी लकीर खींचेंगे तो आप लोग को नजर आएगा। आप लोग तो अभी आज पहला बार हम तो आए हैं 7 साल के बाद, तो निश्चित रूप से अब आपसे बराबर मुलाकात। इधर योगेंद्र साव के घर आते ही योगेंद्र साव की माँ भी काफी खुश नजर आई। बेटे योगेंद्र साव को घर आते देख माँ भी काफी खुश थी। बेटे को सामने देखकर माँ की भी आंखें भर आई, कहा कि बेटा काफी सालों के बाद घर लौटा है, आज मेरे हाथों का खाना खाएगा। बहुत खुशी, खुशी क्या मतलब मत पूछिए, इतना खुश है ना सब पूरा परिवार, एक ही तो हम ही नहीं, मैंने पूरा परिवार पूरा लोगों मैंने मेरा जितना क्षेत्र है उस सब क्षेत्र के आया है, आज सब रांची भी पहुंचा, यहाँ घर भी पहुंचा है, मैंने खुशी का मतलब मत पूछिए। हाँ, हम ही बनाएंगे और हम ही खिलाएंगे, उसके बाद ही खाएगा दूसरा हाथ का। योगेंद्र साव के रिहाई के बाद घर वाले क्या उनके समर्थक और बड़का गांव से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। योगेंद्र साव भी लोगों से खुश दिल के साथ मिल रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं।